छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के भाजपा मंडल अध्यक्ष का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नीलांबर चंद्राकर पर कार्यकर्ता से पद के बदले पैसे मांगने का आरोप लगा है। वहीं ऑडियो वायरल होने के बाद चंद्राकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे मामले में विधायक भावना बोहरा ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। काम कब से स्टार्ट हो जाएगा? इंदौरी भाजपा मंडल का अध्यक्ष की ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें किसी के लेन देन की बातें हो रही है, क्या इसके विषय में आपको जानकारी है? जी, मुझे कल शाम को इस विषय में जानकारी मिली है। ऑडियो मंडल दर्शक कह रहे हैं कि वो ऑडियो उनका नहीं है, शायद डबिंग की गई, एडिटिंग, जो भी, मुझे उस बारे में डिटेल नहीं पता है। मंडल अध्यक्ष ने आज स्वतः ही अपना इस्तीफा दे दिया है और विषय गंभीर है इस तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति इस तरीके से कभी नहीं रही है। तो बिल्कुल अगर इस विषय में कुछ सच्चाई है संज्ञान में लिया जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जितने भी अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है वो सब विषयों को ध्यान में रखकर की गई है, और अगर ऐसा कहीं एक आध जगह पाया गया है तो तत्काल उस पर कार्यवाही करके बदलाव भी उसमें किया गया है। और जहां तक सारी जगह की बात है, ऐसा विषय बिल्कुल भी नहीं है। सातों मंडलों में बहुत शांतिपूर्वक अध्यक्षों का चुनाव बहुत अच्छे से हुआ है, और मुझे खुशी है कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगते हैं, और इसी का यह नतीजा है कि आज यहां पे भाजपा में सैकड़ों कार्यकर्ता हैं लेकिन पद सीमित है, लेकिन एक किसी को मिलने से लोगों में संतुष्टि है, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं। इस्तीफा पत्र में जिक्र किया गया है विषय का कि आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या लिखा है उन्होंने? इस्तीफे में यही लिखा गया है कि उनके ऑडियो कहीं से इस तरीके से उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड की गई, ये विषय यही आया है और आगे उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई है। सुबह उन्होंने जिलाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दिया है, अभी यहाँ प्रोग्राम के बाद उनसे चर्चा होगी। लेकिन जो मेरे पास जो डिटेल आई है उसमें यही है कि जिस तरीके से उनके ऑडियो उनकी डबिंग करके वायरल किया गया उससे वो आहत हैं और उसी कारण से वो इस्तीफा दे रहे हैं। शिक्षकों का भी इसमें मिली भगत है, ऐसी बातें सामने आ रही है, शिक्षकों का भी मिली भगत है इसमें? शिक्षकों का मिली भगत होने की नहीं, मुझे ऐसी जानकारी अभी नहीं है।